बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बकरीद से रिलेटेड एक और रेसिपी आपको दे रही हूँ। आज मैं आपको सिखा रही हूँ मसाला चॉप्स। तो ये बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार और चटपटी चॉप्स हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। हमने चांपे ली हैं, मटन चॉप्स हम बना रहे, और इनकी आप सूरत पे मत जाइएगा, इसलिए कि ये एक दिन पहले से लहसुन अदरक और कच्चा पपीता लगा के मैंने मैरिनेट करके रखी हुई हैं। तो ये तीन चीज़ें मैंने पहले से मैरिनेट करके रख दी हैं क्योंकि मुझे वीडियो जल्दी बनानी थी, लेकिन आप जो हैं इसे तमाम मसाले के साथ एक दफ़ा ही मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो इसके अंदर हम तमाम मसाले मिलाएंगे, आधा पौना घंटा एक घंटा इसको मैरिनेट करेंगे जितना कि हमारे पास टाइम हो, और उसके बाद हम इन्हें पैन में पकाएंगे। जो मसाले हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कुटी लाल मिर्च, नमक, भून के पिसा हुआ धनिया, भून के पिसा हुआ ज़ीरा, मक्खन, सिरका, और सिरके की जगह आप इमली का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नींबू का रस भी, हल्दी, पिसी हुई काली मिर्च, टोमेटो केचप, टोमेटो पेस्ट। और तमाम चीज़ें मेजरमेंट में कितनी हैं ये आपको वीडियो के शुरू में कार्ड में मिल जाएगा। दो मीडियम साइज़ की प्याज हैं, बारीक चॉप कर लिया, आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। छोटी वाली हरी मिर्चें, ये हम साबुत ऐसे ही डालेंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल है, बटर के साथ इस्तेमाल होगा। और इसके अंदर हम दही इस्तेमाल कर रहे हैं 1/2 कप। इसमें हम तमाम मसाले मिला देंगे, ज़ीरा, साबुत धनिया, सिरका, पिसी हुई काली मिर्चें और हल्दी, कुटी लाल मिर्चें, टोमेटो केचप और टमाटो पेस्ट और नमक। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, एक घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे, और फिर हम इसको सिंपली 2 टेबलस्पून बटर में पैन के अंदर पकाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इन्हें मिक्स कर लिया है, सबके ऊपर हाथ से मसाला अच्छे तरीके से रब किया है। तो अब मैं इसे कवर कर रही हूँ, और कवर करके मैं इसे 1/2 से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी, और फिर हम इसे पकाएंगे। एक पैन के अंदर सबसे पहले हम ऑयल और बटर डालेंगे। बटर को हल्का सा मेल्ट होने देंगे और इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छे तरीके से सौते करेंगे। प्याज हमारी जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगी, हमें इसको लाल नहीं करना है, बिल्कुल गुलाबी करना है। तो इसके अंदर हम ये अपनी मैरिनेट की हुई चांपे डाल देंगे, सारा मसाला भी डाल देंगे। इन चांपों को हम अच्छे तरीके से मसाले में भूनेंगे, लेकिन थोड़ा सा इन चांपों में से पानी निकलना चाहिए, इसलिए मैं आंच को मीडियम लो की तरफ करके सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इन्हें कवर करूंगी। थोड़ी सी देर लगेगी, चांपों में से पानी निकल आएगा, और फिर हम इसे खूब अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो देखिए 2-3 मिनट गुजरेंगे, चांपे पानी छोड़ देंगी, कलर चेंज होने लगेगा। अब इस वक्त आंच फुल करके इन्हें अच्छे तरीके से हम भूनेंगे, और फिर इसके अंदर दही डाल देंगे। ये रेसिपी मैं खास तौर पे आपको बकरीद के लिए सिखा रही हूँ। इसमें कच्चे पपीते का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब हम बकरीद के ऊपर बकरे कटवाते हैं तो वो बड़े बकरे होते हैं, उनका गोश्त थोड़ा सा हार्ड होता है, तो वो देर लगाते हैं गलने में। तो ये कच्चा पपीता उनको टेंडर और सॉफ्ट रखेगा। और आप इसके अंदर कुटी हुई मिर्चों के साथ पिसी हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं। तकरीबन 5 मिनट लगे और ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे दही। दही को बहुत अच्छी तरीके से फेंट लिएगा, वरना इसके अंदर लंप बन जाएंगे, कर्डल हो जाएगा वो। इस तरह पैन में इन्हें बिछा के कवर कर रही हूँ, और मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं इन्हें पकाऊंगी। दही का पानी पूरा अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा, तो हम इन्हें पकने के लिए और पानी डाल देंगे, और उस वक्त तक हम इन्हें पकाएंगे जब तक तमाम मसाला भुन नहीं जाता और हमारी चांपे हैं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाती। 5 मिनट के अंदर दही भुन गए, थोड़ा सा कहीं पानी बाकी है, लेकिन चूंकि हमने और पानी डालना है इसलिए हम वेट नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर मैं तकरीबन 1/2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। आपने इस वक्त पानी देख के डालना है, जिस तरह का आपके पास मीट है
जैसे क्वालिटी का है उसके हिसाब से आपने पानी डाल के इसे गलाना है। और गलाने के बाद ये ध्यान रखना है कि आपने इसे लास्ट में भुनना है, इसलिए इतना पानी मत डालिएगा कि आपको उसे फिर बाद में खुश्क करना पड़े। तो मैंने इसके अंदर 3/4 ग्लास पानी का डाला है, जोश आ गया। इसको वापस से बंद कर रही हूँ और अब कवर करके मैं इसे मीडियम लो फ्लेम के ऊपर फिर इतनी देर पका लूँगी कि ये गोश्त बिल्कुल टेंडर हो जाएगा और हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। एक चीज़ जो दिखानी भूल गई हूँ वो है हरी मिर्चें। इस टाइम पे आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो तकरीबन 15 मिनट के बाद चापे ना सिर्फ गल गई हैं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क हो गया। चूँकि हमने ये मसाला रखना है थोड़ा सा, तो ये जितना आपको गाढ़ा दिख रहा है ये सब मसाला है। इसको बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखिए चापों ने अपना खुद का फैट रिलीज़ किया है, तो ये अच्छा खासा ऑयल हो गया। इसीलिए मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल किया था इसके अंदर। आप चाहें तो इस टाइम के ऊपर चूल्हा बंद करके इसके अंदर कोयले का धुआं देके इसे बारबेक्यू इफेक्ट भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका अरोमा और टेस्ट हो जाएगा और इसको एज इट इज भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं इसे यूं ही सर्व कर रही हूँ। तो चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे सर्व कर देते हैं। तो हमारी मज़ेदार मसालेदार और स्पाइसी मटन चॉप्स जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। आप बकरीद के ऊपर इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इन्हें ज़्यादा मकदार के अंदर बना के मैरिनेट करके एक दो दिन आराम से रख दें तो ये बहुत ही जल्दी और बहुत मॉइस्ट बनेंगी। तो ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा और मेरी रेसिपी ट्राई करके आप उसकी तस्वीर लेके और मुझे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर इनबॉक्स कर दिया करें। मैं आपके नाम के साथ उसे पोस्ट कर दूंगी। इससे दूसरों को ये बेनिफिट मिलता है कि उन्हें पता चल जाता है कि ये रेसिपी ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है उसे चेक कर लीजिए, वहाँ काफ़ी रिटन रेसिपीज़ हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।